कोलकाता पुलिस ने दो बड़े डॉक्टर्स और एक बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को समन भेजा है। कोलकाता पुलिस ने उन्हें मुख्यालय में हाजिर होने को कहा है। डॉक्टर्स के नाम हैं डॉक्टर कुणाल सरकार और डॉक्टर सुवर्णा गोस्वामी। पुलिस ने आज दोपहर 3 बजे तक तीनों को बुलाया है। पुलिस ने दो अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। इनमें से पहला है गलत जानकारी फैलाना और दूसरे पीड़ित की पहचान जाहिर करना। डॉक्टर्स को गलत जानकारी फैलाने के मामले में नोटिस है। लॉकेट चटर्जी को पीड़ित की पहचान जाहिर करने के मामले में नोटिस है। ऋतिक मंडल और ज्यादा जानकारी पहुंचाने के लिए हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ऋतिक, पूरी खबर को विस्तार दीजिए, जानकारी पहुंचाइए। बिल्कुल, देखिए कोलकाता के पुलिस की तरफ से दो अलग अलग केस जो है वो दर्ज करवा दिया गया है। उनमें से एक गलत इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन को लेकर फैलाने के लिए कोलकाता के दो बड़े डॉक्टर डॉक्टर कुणाल घोष और सुवर्ण गोस्वामी, इन दोनों के खिलाफ दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ आरोप है कि तफ्तीश के बारे में और ऑटोप्सी के बारे में, उस पीड़ित महिला के ऑटोप्सी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया था। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व सांसद यानी लॉकेट चटर्जी, बीजेपी के लीडर, उनके खिलाफ जो आरोप है वो आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने की है, यानी पीड़िता की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने की बात जो मामला दर्ज कर दिया किया गया है। और इन तीनों के खिलाफ जो है नोटिस इनको जारी कर दिया गया। आज दोपहर 3 बजे तक कोलकाता पुलिस के हेडक्वार्टर को में उसको पहुंचना है। देखिए, पुलिस के हवाले से जो हमें जानकारी मिल पा रही है, सुवर्ण गोस्वामी कई सारे इंटरव्यूज में, मीडिया इंटरव्यूज में इस बात की थी कि ऑटोप्सी को लेकर गैंग रेप की तरफ इशारा किया था। पुलिस की तरफ से कहना है कि ये जो है ये इन्फॉर्मेशन, ये मिस इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा कुणाल घोष जो कि जाने माने डॉक्टर है कोलकाता के, उनके खिलाफ भी इस तरीके से मीडिया बयान के लिए मिस इन्फॉर्मेशन दिया गया है मीडिया बाइट के जरिए, ऐसा पुलिस का कहना है। इस सब मामले में उन्हें बुलाया गया है और एक जो दो अलग अलग मामला भी दर्ज किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से पिछले कई दिनों से पुलिस ये बार बार कह रही है कि इस मामले में कई सारे मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया में तैर रहा है और इसके कारण अब जो है कार्रवाई की जा रही है। आशुतोष, बिल्कुल, और इस मामले में लगातार हम देख पा रहे हैं प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन बंगाल में इस घटना को लेकर सियासत भी चरम पर है। ऋतिक, बिल्कुल, राजनीतिक गहमा गहमी जो है बनी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर विपक्ष के वामपंथी दल जो है वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और ये दबाव बना रहे हैं। मैं जरा दिखाना चाहूंगा, इस वक्त मेरी मौजूदगी आरजी कौर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर में दिखाना चाहूंगा, मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखाएगा कि कल रात पुलिस की तरफ से जो एक ऑर्डर जारी कर दिया गया कि अगले 7 दिनों तक आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के बाहर जो है वहां पर लोगों के जमारा पर पाबंदी लागू कर दिया गया है। यानी यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर यहाँ से लेकर शाम बाजार तक जो है लंबे जगह पर इस तरीके से पाबंदी जारी रहेगा, क्योंकि देर रात तक यहाँ पर आंदोलन हो रहे हैं। राजनीतिक गैर राजनीतिक जो संगठन है वो लगातार आरजी कौर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की तरफ जो है वो मार्च निकाल लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। आज भी कई सारे रैलीज जो है वो शेड्यूल है और पुलिस इस अहम मौके पर अगले 7 दिनों तक जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर जो पाबंदी लागू कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है और वो लोग कह रहे हैं कि इस बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिटोरिएट हो गया है। वो जो शुभेंदु अधिकारी है, नेता विपक्ष, वो लगातार इस पर जोर दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर है और पुलिस मंत्री है, पूरे विषय का वो जिम्मेदारी लेते हुए वो इस्तीफा दे। ये जो दबाव राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार किया जा रहा है। आशुतोष, बहुत शुक्रिया ऋतिक इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। देखिए, डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी को कोलकाता पुलिस ने तलब किया और इन्होंने आज तक बांग्ला से एक्सक्लूसिव बातचीत में गैंगरेप वाली थ्योरी गढ़ी थी। अब सुनिए जरा वो क्या कह रहे थे, उनका बयान सुनाते हैं। पोस्टमार्टम में जब देखा है, ये बहुत सारे इंजरीज इन ऑल ओवर द बॉडी, सारे शरीर में, मुंह से पैर तक, बहुत सारे मल्टीपल इंजरीज दोनों तरफ, इधर पैराइटल जो तरफ है, पीछे में जो है, सामने में फ्रंटल और टेम्पोरल साइड में, सभी तरफ बहुत सारे ब्लीडिंग बस से स्किन के नीचे इस समय जो मिले। तो इतना ज्यादा अमाउंट का जो इश्यू में, अगर अगर ये करेक्ट होगा, देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। वन पॉसिबिलिटी दैट मे बी 15.1 ग्राम और समथिंग, दे हैव मिसप्रिंटेड इट। If it is even so, तब भी ये तो
बोलना चाहिए कि एक आदमी का काम नहीं है। नॉर्मल इंडियन आदमी का एक बार जो होता है वो 5-5 ग्राम्स तक होता है एवरेज, उसके ज्यादा होने से मैं इसे देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल मेन। एक आदमी का काम नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह से ये जो क्राइम है ये एक परपेट्रेटर का, एक पर्सन का, एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो क्या ये जो इंडिकेशन है, क्या ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मेंशन है आप कह रहे हैं वो ये इंडिकेट करता है कि ये रेप नहीं, एक गैंग रेप का केस हो सकता है? एग्जैक्टली, वी आर अपीयरिंग दैट ओनली दैट ये गैंग रेप होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और इस बीच आईएमए ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर उसमें तमाम जो है मांगे रखी गई हैं। और खास बात इसमें यह है, आईएमए का कहना है कि जिस तरह से एयरपोर्ट को सुरक्षा दी जाती है, एयरपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था होती है, उसी तरह से अस्पतालों को और डॉक्टर्स को सुरक्षा दी जाए। अस्पतालों में एयरपोर्ट जैसी सुरक्षा की मांग की गई है आईएमए की तरफ से। डॉक्टर्स के खिलाफ अपराध की तुरंत जांच की मांग भी की गई आईएमए की तरफ से। ऋतिक हमारे साथ पश्चिम बंगाल से हमारे सहयोगी जुड़े हुए। ऋतिक, ये आईएमए की मांग, और गौर करने वाली बात यह है कि अभी केंद्र ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टर से अपील भी की थी कि वो हड़ताल वापस ले लें जो 24 घंटों का इन्होंने ऐलान किया था। इसी बीच आईएमए ने यह चिट्ठी लिखी है। बिल्कुल, देखिए आईएमए की तरफ से लगातार दबाव बन रहा है। ये जो मामला सिर्फ कोलकाता के ही अस्पताल या फिर सरकारी अस्पतालों के में सीमित अस्पतालों तक सीमित नहीं है। मैं देख सकता हूँ कि पूरे देश भर में तमाम डॉक्टर्स, आईएमए हो या फिर चिकित्सक के जितने भी संगठन है, वो इस पर जोर दे रहे हैं कि एक सुरक्षित जगह, वर्किंग स्पेस उसे चाहिए, और ये बहुत बड़ी मांग है। और हम देख सकते हैं कि केंद्र की तरफ से भी इस बात पर जो है जोर दिया जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से रिपोर्ट मांगा गया है और कई सारे संगठन की तरफ से प्रधानमंत्री का इंटरवेंशन भी किया गया है। और हम देख सकते हैं फिलहाल इस मामले में जांच में जुड़ी हुई जो सेंट्रल प्रोबिंग एजेंसी यानी सीबीआई है, उनके तरफ से भी जो तफ्तीश में जोर दिया जा रहा है, उनके अलग अलग एक्सपर्ट विंग को भेजा जा रहा है दिल्ली से, जो कि साइको एनालिसिस कर सके इस अपराधी के, तमाम चीजें खंगाले जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी मांग हो सकती है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि देखिए हम जिस तरीके से डॉक्टर से लगातार बात कर रहे हैं, वो लोग, मैंने भी मेरे कई सारे रिपोर्ट में दिखाया कोलकाता के अन्य सरकारी अस्पताल में महिला चिकित्सक या फिर पुरुष चिकित्सक के लिए किस तरीके की हालत है, उनको रेस्ट रूम के नाम पे या फिर ऑन कॉल रूम के नाम पे क्या दिया जाता है, कुछ भी नहीं है, गंदा टॉयलेट, सुरक्षित असुरक्षित जगह, यहाँ तक बैठने का जगह नहीं है। कई सारे महिला डॉक्टर्स तो हमें ये भी कहा है सरकारी अस्पतालों में उनके लिए अलग से कोई रूम भी नहीं है रात या फिर दिन के लिए, और वहीं पे वो। चलिए, आप नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।